की में कभी भी मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग में अलग अलग आवाजें आती हैं। जैसे अभी आपने आवाज लगाई और कोई अभी कह जाओ अभी भैया कभी यहां से आवाज आती है, कभी यहां से आवाज आती है, कभी उधर से आवाज आती है, कभी यहां से आवाज आती है। मैं पहले सोचता था कि ये इस पार्टी में जिसको हम अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर क्यों नहीं होता। और मुझे 10 साल लगे इस बात को समझने में। हम में ऑर्डर इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये जो हमारा संगठन है ये हर वक्त सब लोगों की सुनना चाहता है। अब आप दूसरी तरफ देखिए, आरएसएस की शाखा को देखिए, उसमें लाइन लगती है, सीधी लाइन होती है बिल्कुल। किसी बंदे ने चूक कर दिया उसी के ऊपर लाठी भरता है। एक विचारधारा, अगर आपने किसी आरएसएस या बीजेपी के नेता से बात की है, एक ही विचारधारा है भैया, पूरी दुनिया ऐसी ही चलती है और कुछ है ही नहीं। हजारों सालों से ऐसे चल रही है और हजारों साल बाद ऐसे ही चलेगी, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो डिसिप्लिन उनके लिए बहाना है, जो इंडिविजुअलिटी होती है ना उसकी हत्या करने का बहाना है। ये सोच आज हिंदुस्तान को चला रही है। जहां भी आप देखो एक व्यक्ति सब कुछ जानता है। किसानों की बात करनी है, एक व्यक्ति जानता है। एजुकेशन की बात करनी है, एक व्यक्ति जानता है। अरे कपड़ों की बात करनी है, वो भी एक व्यक्ति जानता है। तो हेलो, अब हो क्या रहा है? हेलो बॉस, हजारों अलग अलग विचारधाराएं हैं। वहां से पैर आसाम में लोग अगर अलग सोचते हैं, बिहार में कोई कुछ और सोचता है। हाँ भैया, आपकी बड़ी टेक्निकल विचारधारा होती है बिहार में। आंध्र का आपकी कुछ और सोचता है, तेलंगाना में। हम कहते हैं भैया आप सब आओ इधर, बातचीत करते हैं और कुछ ना कुछ निकल आएगा। और वो कहते हैं भैया तुम इधर आओ, चुप हो, एक शब्द नहीं बोलना तेलंगाना के बारे में, आंध्र के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में। हम तुम्हें बताएंगे क्या कहना है, क्या करना है।